हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ वेरी टेस्टी वेजिटेबल्स मैगी नूडल्स सूप। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरा नया वीडियो मिल सके सबसे पहले आपको। तो चलिए देखते हैं वेजिटेबल्स मैगी नूडल्स सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। तो मैंने एक पैकेट मैगी नूडल्स का लिया है, ये है 70 ग्राम्स का। एक छोटा चम्मच जीरा, एक पिंच कुटी हुई काली मिर्च, एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसकी जगह हल्दी धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, ये रिफाइंड ऑयल, और ये प्लेन नमक। और मैंने ली है ये वेजिटेबल्स, एक मैंने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च बहुत ही छोटे साइज की है, अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो हाफ लें। और ये हाफ नींबू लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी पत्ता गोभी, आप इसकी जगह फूल गोभी भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का टमाटर, एक छोटे साइज का प्याज, हाफ मैंने गाजर ली है, 12 से 15 मैंने मटर की फली ली थी उसके मैंने दाने निकाल लिए। दो छोटी हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी अदरक ली है। तो सारी वेजिटेबल्स को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ मैंने जो वेजिटेबल्स ली है आप अपनी पसंद की ले सकते हैं या जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप उसे भी ले सकते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं और ये मैगी नूडल्स जिसे मैंने तोड़ कर रखा और इसके साथ में ये टेस्ट मेकर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो पैन को मैंने रख दिया है, अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल जो है अच्छे से हीट हो गया, अब इसमें डालेंगे जीरा और ये हरी मिर्च और अदरक। कुछ सेकेंड इसे हम पहले पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। पहले हम टमाटर को 1 मिनट पका लेंगे, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो ये जो मैंने सब्जी मसाला लिया था इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे। तो मसाले को मैंने 1 मिनट पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे ये वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और साथ में ये डाल देंगे मटर। फ्लेम को हम लो रखेंगे तो इसे हम ढककर 2 मिनट पका लेंगे। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें हम 2 बाउल पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें 2 बाउल यानी 400 ml पानी डाला है, अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक जो है हम हमारी वेजिटेबल्स और पानी की क्वांटिटी के हिसाब से हम डालेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं, पानी जो है अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब हम इसमें ये मैगी नूडल्स डाल देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे यानी लो टू मीडियम पे हम रखेंगे और साथ में हम डाल देंगे ये टेस्ट मेकर। तो इसे हम फिर ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो नूडल्स जो हमारे पक गए हैं, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे ये काली मिर्च, ये लेमन जूस और साथ में ये डाल देंगे धनिया पत्ती। इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। और ऊपर से डाल लेंगे हम थोड़ी सी धनिया पत्ती। हमारी वेज मैगी सूप बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।